हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डीआईडीआई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक अमेजिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैम चक्र। आइए देखते हैं कैम चक्र होता क्या है। सबसे पहले इसका नाम देखिए, कैम चक्र। इसका जो कैम शब्द है ये वर्ड आया कहाँ से, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेसियन से क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कैम चक्र है वो सिर्फ क्रेसुलेसी फैमिली के सदस्यों में चलते हैं। अभी क्रेसुलेसी फैमिली के सदस्य कौन कौन होते हैं, यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं। जो क्रेसुलेसी फैमिली के सदस्य होते हैं, ओपुंसिया जिसे आप नागफनी बोलते हैं, एलोवेरा जिसे सिंपल भाषा में घी कुआर बोलते हैं, और पाइनएप्पल अनानास। इन तीनों प्लांट पे और भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब पता ही कि सिर्फ इन्हीं में क्यों चलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इनके अंदर आप देखे होंगे कैम चक्र में जो प्लांट आते हैं नागफनी एलोवेरा, ये जो है ये पानी की कमी वाले स्थान में उगते हैं। इनमें जो पत्तियां होती हैं फ्रेंड्स, जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कांटे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपुंसिया की पत्तियां होती हैं कांटे के रूप में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन रेट कम हो सके, पानी का लॉस कम हो सके, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं वो पानी की कमी वाले स्थान में उगते हैं, ताकि जो पानी अगर इन्हें कम मिल रहा है तो पानी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपीरेशन के थ्रू चला ना जाए, इसलिए इनमें पत्तियां जो होती है कांटे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज इसे एसिड शब्द क्यों बोला, क्रेसुलेसिस मतलब क्रेसुलेसिस फैमिली आ गए। एसिड क्यों बोला गया, एसिड इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इस पूरे चक्र में हम जो साइकिल चल रही है इसमें हम एसिड जो बन रहे हैं उनको हम पचा कर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। एसिड क्या कर रहे हैं, हम लोग उपापचय कर रहे हैं, एसिड को हम पचा रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज में, इसलिए हम बोलते हैं एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेसिस अम्ल उपापचय। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे चक्र में कैम चक्र में एक ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनको बनाने के लिए कितने एटीपी खर्च होते हैं, 66 एटीपी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 66 एटीपी टोटल लॉस होता है किसमें, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। अगर पूछ लिया जाए कितने प्योर एटीपी खर्च होते हैं तो आपको बोलना है 30, इम्प्योर 36, यह सब आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें जो पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, जो पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है, पेप। कौन है, पेप। और जो पेप है उसके पास एक पर्सनल एंजाइम है जिसका हम क्या बोलते हैं, उसके पास एक मुख्य एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्को, पेप फॉस्फोइनोल पाइरोनिक एसिड कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कन्वर्ट कर देता है ऑक्सिलोएस्टिक एसिड में, वो आपको हम बताएंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि पहली बार जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है वो पेप होता है, वो किस साइकिल में पेप पाया जाता है, पेप की पहचान होती है हमेशा सी4 चक्र में आपको दिखाई देगा, किसमें, सी4 चक्र में। और सी4 चक्र में पहली बार CO2 का क्या करते हैं, स्थिरीकरण फिक्सेशन करते हैं। और सेकंड टाइम कब होता है, सेकंड टाइम इसका फिक्सेशन होता है RUBP करता है, कहां पे होता है, C3 चक्र में दूसरी बार इसका फिक्सेशन होता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कैम चक्र में पहली बार CO2 का फिक्सेशन कहां होता है, तो आपको बताना है C4 साइकिल में और दूसरी बार C3 साइकिल में, ये आपको याद रखना है। कौन करता है, तो जो C4 चक्र में पेप करेगा और C3 चक्र में RUBP राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, राइबोलोज के पास जो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है इसका मुख्य एंजाइम होता है रुबिस्को, और पेप का मुख्य एंजाइम होता है पेप्को, नाम से आपको पता चल रहा होगा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ स्पेशल फीचर देखने के लिए मिलते हैं, C4 प्लांट में कुछ स्पेशल फीचर देखने के लिए मिलते हैं, विशिष्ट कैरेक्टर कौन कौन से, इनमें इस चक्र को चलाने के लिए दो प्रोसेस होती है, एक को हम बोलते हैं अम्लीकरण एसिडिफिकेशन, एक को हम बोलते हैं डी एसिडिफिकेशन। अम्लीकरण में क्या होता है, अम्लीकरण में अम्ल का निर्माण होता है, और विअम्लीकरण में क्या होता है, अम्ल का जो बना होता है उसको तोड़ के हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहली चीज अम्लीकरण की प्रक्रिया कब होती है, ये C4 चक्र में चलती है, अम्लीकरण की प्रक्रिया C4 चक्र में चलती है। और दूसरी चीज, इसी C4 चक्र के अंदर यानी अम्लीकरण में रात के समय क्या होगा, स्टोमेटा खुले होंगे। नॉर्मल प्लांट में आप देखे होंगे कि जो स्टोमेटा होते हैं रात के समय बंद होते हैं, लेकिन कैम चक्र इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट लक्षण दिख रहे हैं, इसमें रात के समय जो हो रहा है स्टोमेटा क्या है, रात के समय ओपन है, और दिन के समय स्टोमेटा क्या होता है, बंद होते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर होता है किसका, कैम का, इसमें रात के समय खुले हैं और दिन के समय बंद है। और सबसे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो किस समय आता है, जब स्टोमेटा खुले होते हैं, और आपको मैंने बताया कि स्टोमेटा कब खुले हैं, ये खुले होते हैं रात्रि के समय, ये आपको मालूम रखना है। और दूसरी स्पेशल पॉइंट क्या है, इनमें जो ये जो मिजो कैम चक्र जो स्टार्ट होता है कहां चलता है, ये जो आपका C4 चित्र चक्र चल रहा है, एक्चुअल में चल कहां रहा है, ये पूरा चक्र चल रहा है मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर, कहां पे, मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर, मेसोफिल कोशिकाओं में कहां, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये आपको याद रखना है। कैम चक्र चलता है मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर, और मेसोफिल कोशिकाओं में कहां, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
इसमें जो C4 साइकिल में जो मैलिक एसिड बनता है, क्या जो C4 साइकिल या C4 साइकिल चल रही है, इसमें जो मैलिक एसिड बनता है एक्चुअल में, जब जब तक स्टोमेटा खुले होते हैं, जब तक स्टोमेटा खुले होते हैं तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको पेप लेके अपने एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है मैलिक एसिड में। तो जितना भी मैलिक एसिड बना रंध्र के खुले समय वो सब का सब इकट्ठा होता है, स्टोर होता जाता है वैक्यूल में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सी4 चक्र में मैलिक एसिड बनता है वो एकत्रित कहां होता है, तो आपको बताना है रिक्तिका के अंदर एकत्रित होता है। और जैसे ही स्टोमेटा खुलने के बाद दिन के समय बंद हो जाते हैं तो यही मैलिक एसिड रिक्तिका के अंदर से निकल के सी3 चक्र चलाना शुरू कर देता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो सी4 चक्र में मैलिक एसिड कहां स्टोर होता है, रिक्तिका के अंदर। और कुछ एग्जांपल इसके मैंने आपको पहले बता दिया, ओपुंसिया, डेलेनी, एलोवेरा, पाइनएप्पल, ये इसके मेन एग्जांपल है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है कि नागपनी और एलोवेरा में पत्तियां होती है कि नहीं होती, होती है। किस फॉर्म में, कांटे के रूप में, स्पाइन के रूप में। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें जल की हानि ना हो सके इसलिए इसके प्लांट जो होते हैं, इसकी पत्तियां जो होती है इसमें कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन के फॉर्म में। आइए हम एक डिस्कस कर लें साइकिल को एक बार। सबसे पहले जो कैम चक्र है ये कहां चलता है, आपको बता दिया गया मेसोफिल कोशिकाओं के अंदर चलता है, यानी मेसोफिल कोशिकाओं में कहां, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कुछ स्पेशल पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये चक्र जो होता है उसमें रात्रि के समय स्टोमेटा खुले होते हैं और रात्रि के समय C4 चक्र चलाता है, C4 चक्र, और इसमें दिन के समय जो होता है स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और दिन के समय C3 चक्र चलता है। ये आपको याद रखना है। पहले चीज, रात्रि का समय जब है उसमें जो CO2 ग्राहक होता है वो कौन होता है, पेप होता है। CO2 ग्राहक कौन है फ्रेंड्स, पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरोनिक एसिड, जो कि 3 कार्बन वाला होता है। और दूसरी चीज, इस पेप का मेन एंजाइम कौन सा है, पेपो। और तीसरी चीज, इसमें सबसे पहले कार्बन का क्या होता है, फिक्सेशन, और इसी में C3 चक्र, C4 चक्र चलता है। इसका C3 चक्र में CO2 ग्राहक कौन होता है, REBP, राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। और इसके बाद जो एंजाइम है REBP के पास, वो है रिबिस्को, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम इसका रिबिस्को। और इसमें इसी चक्र में दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। हम आपको दिखाएंगे क्या होता है, इधर देखिए, ये उधर से आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा और बदल दिया ऑक्सीजनोस्टिक एसिड को। अब ये एक कार्बन है, इसके पास पेप के पास 3 कार्बन 3 4 कार्बन, तो ऑक्सीजनोस्टिक एसिड जो होता है 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये सबसे पहला प्रोडक्ट बना जो 4 कार्बन वाला है, इसलिए साइकिल को हम बोलते हैं C4 साइकिल। और फिर इसी के साथ साथ ऑक्सीजनोस्टिक के साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या केवल ऑक्सीजनोस्टिक एसिड ही बनता है इसकी इसकी प्रेजेंस में, नहीं, एस्पार्टिक एसिड भी बनता है, लेकिन ये आगे साइकिल ये चला है, इसको हम रोक देते हैं। अब ऑक्सीजनोस्टिक एसिड क्या करता है, ये मैलेट डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें बदल जाता है, मैलिक एसिड में। आपको याद रखना फ्रेंड, जब जब काइनेज शब्द आएगा तब ATP के या तो मिलेगी या तो खर्च होगी, और जब जब डिहाइड्रोजिनेज शब्द आएगा तब तक NAD किस, या तो हमें NAD हमें ATP देगा या फिर ATP वो हमसे खर्च करवाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेज दिखा तो यहाँ पे NADH2 जो है कन्वर्ट हो गया NAD में, यानी 1 NAD इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, 1 NAD इक्वल टू होता है 3 ATP। और यहाँ पे बल्कि NAD अगर हम NAD इसमें कन्वर्ट होता तो हमें 3 ATP मिलती, लेकिन क्या हो रहा है NADH2 कन्वर्ट हो रहा है NAD में, यानी यहाँ 3 ATP खर्च हो गई, हमारी कितनी हो गई, 3 ATP खर्च हो गई। तो जितना भी मैलिक एसिड जब रंध्र खुले होते हैं जितना भी मैलिक एसिड बनता है वो सारा का सारा मैलिक एसिड कहाँ स्टोर हो जाता है, रिक्तिका के अंदर बाहर निकलता है और C3 साइकिल चलाना शुरू करता है। अब ये मैलिक एसिड जो है इसके में कार्बोक्सिलीकरण होता है, क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण। अब कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, इसके ऊपर कार्बोक्सिलीकरण होता है तो मैलिक एसिड दो भागों में टूटता है, एक भाग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और दूसरी भाग से पाइरोनिक एसिड बाहर आता है। अब देखिए मैलिक एसिड कितने कार्बन वाला था, 4। अब ऑक्सीजनोसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला है, ये मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला है, और ये भी यही मैलिक एसिड यहाँ पे गया, ये भी 4 कार्बन वाला। अब ये जो 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड है ये दो कंपाउंड में टूटा, एक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, एक पाइरोनिक एसिड को, तो इसमें से एक कार्बन बाहर निकल गया, कितने कार्बन बचे, 3, वही 3 कार्बन वाला कंपाउंड क्या है, पाइरोनिक एसिड। अब थोड़ा एक मिनट क्लियर हो जाते हैं, अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, देखिए आपको बताया गया था इस साइकिल में कि इसमें दो बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, एक बार का होता है C4 चक्र में, दूसरी बार का होता है C3 चक्र में। तो ये C4 चक्र में एक बार हो चुका और दूसरी बार ये C4 चक्र में C3 चक्र में होने जा रहा है, ये दूसरी बार, सेकंड टाइम, ये सेकंड टाइम किसमें हो रहा है, C3 चक्र। अब जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड से बाहर निकला तुरंत इसको, जैसे ही CO2 आया, REBP ने इसको पकड़ा, अपना एंजाइम को लिया रिबिस्को को, उसकी प्रेजेंस में इसने कन्वर्ट कर दिया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। और ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है बहुत सारे मध्यवर्ती उत्पाद बनाया, जिसे हम बोलते हैं C4 चक्र, C4 कार्बन का, C5 कार्बन का, C6 कार्बन का, C7 कार्बन का, बहुत सारा कंपाउंड बनाया। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया इसमें ग्लूकोज में,
और फिर जब ग्लूकोज बन गया तो हमें ग्लूकोज मिल गया। अब उसके बाद यही कंपाउंड वापस किसको रीजेनरेट करता है, किसको बनाता है, आरईबीपी, पता कि दोबारा फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड आया उसको फिर वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़े फिर साइकिल चला सके, इसके लिए इसको रीजेनरेट कर देता है। अब जो हमारा पाइरोनिक एसिड बना था इसी सी3 साइकिल के अंदर, ये तब तक यहां रहता है जब तक स्टोमेटा क्या होते हैं बंद रहते हैं, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ स्टोमेटा खुल गए ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वापस चला आता है सी4 चक्र में। अब सी4 चक्र की तरह काम करना शुरू करता है और क्या इसमें अपने एंजाइम की प्रेजेंस में पाइरूवेट फास्फेट डाइकाइनेज, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं PPDK, इस एंजाइम की प्रेजेंस में बदल जाता है किसमें, फास्फेट और पाइरूविक एसिड में, इसमें बदल गया क्योंकि ये तीन कार्बन वाला है, तीन कार्बन वाले कंपाउंड बदल गया। अब इसमें क्या होता है एक ATP खर्च होते हैं AMP और IP, दो IP के फॉर्म में, यानी ATP खर्च हो गया यहाँ पे एक और। तो इस पूरी साइकिल में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है वो दो क्वेश्चन है कि जो मैलिक एसिड स्टोर कहाँ हुआ, मैलिक एसिड स्टोर कहाँ हुआ, तो C4 चक्र में मैलिक एसिड बना वो कहाँ स्टोर हुआ, और दूसरी पॉइंट जो C3 चक्र में मैलिक एसिड आया इसका इसका टोड़ा कौन और इससे कितने उत्पाद निकले, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक पाइरूविक एसिड, कितने कार्बन वाला है। अब ये जो मैलिक एसिड से पाइरूविक एसिड बना है एक एंजाइम है ट्राइओज पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसकी प्रेजेंस में एक इसमें कन्वर्ट हो गया पाइरूविक एसिड में, और एक कंपाउंड हमें दिया NAD, NAD कन्वर्ट हुआ 3 NADH2 में, यानी यहां से हमें 3 ATP मिलेंगे, क्या मिलेंगे 3 ATP यहां हमें मिलेंगे, और यहां हमारे 3 ATP खर्च हुए, यहां खर्च हुए यहां मिले, हमें इक्वल बराबर हो गया। जो भी ATP हमने बोला कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, यानी एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने ATP खर्च होते हैं हमारे 66, तो 66 ATP यहां पे खर्च हो रहे हैं इस C3 साइकिल के अंदर, कुछ ATP यहां से मिल रहे हैं, कुछ ATP इनको बनाने से हमें मिल रहे हैं, ठीक है भाई, इनको बनाने से कुछ ATP हमें मिल रहा है, कुछ खर्चा हो रहा है। टोटल हम जीत के अंदर बता देते हैं कि कैन चक्र में एक ग्लूकोज अणु को बनाने के लिए 66 ATP खर्च होते हैं। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि C4 चक्र में कितने ATP लगते हैं C4 चक्र में, तो C4 चक्र में भी सेम ATP 66 ATP खर्च होते हैं। अगर आप एक साइकिल पढ़ लेंगे कैम पढ़ लेंगे तो कैम के जैसा ही एकदम कंपाउंड है किसका C4 चक्र का, तो अगर आपको ये याद हो जाए C4 चक्र भी आसानी से याद हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जैसे आपने बोला कि कैम चक्र में और C4 चक्र में 66 ATP लगते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, चक्र में एक ग्लूकोज के अणु को बनाने के लिए 54 ATP की आवश्यकता होती है, यानी एक ग्लूकोज को बनाने के लिए इसमें कम से कम 6 बार चक्र चलता है C3 चक्र, 6 बार C3 की बात कर रहा है। और दूसरी चीज स्कैम चक्र में फोटो रेस्पिरेशन की घटना नहीं होती, क्या नहीं होती, कैम चक्र में फोटो रेस्पिरेशन की घटना नहीं होती, इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता, क्या नहीं होता, प्रकाश श्वसन, ये प्रकाश श्वसन मेन कैरेक्टर होता है C3 प्लांट का, C3 C2 प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद जय भारत।